आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। पोखरण पुलिस की बड़ी कामयाबी, शातिर बदमाश विक्रम उर्फ गुटा को किया गिरफ्तार। पोखरण पुलिस के डीएसपी मोटाराम ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि अवैध हथियार और मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान को लेकर कल रात्रि अभय कमांड की सूचना पर शातिर बदमाश विक्रम उर्फ गुटा को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ गुटा पर विभिन्न मामलों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर तीन जिलों की पुलिस को बदमाश की सरगर्मी से तलाश थी, जो कल पोखरण पुलिस के हाथ लगा। डीएसपी ने बताया कि पुलिस को कल होटल गंगा पैलेस के आगे से बोलेरो कैंप पर चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर एसआई मोहम्मद हनीफ, कांस्टेबल सुभाष विश्नोई सुखराम और जैसलमेर साइबर सेल के मुकेश बीरा ने मुखबिरों से संपर्क कर चोरी हुई बोलेरो के बारे में सूचना दी, जिस पर मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि चोरी हुआ बोलेरो कैंपर देचू थाना के भालू काछब नगर जोधपुर ग्रामीण में देखी गई है, जिस पर पोखरण पुलिस ने मौके से रवानगी होते हुए काछब नगर पर शातिर बदमाश विक्रम उर्फ गुटा के घर दबिश दी, जिस पर बदमाश ने पुलिस को देख बोलेरो स्टार्ट कर भाग निकला। वहीं पुलिस ने बदमाश का पीछा कर बदमाश को गिरफ्तार कर पोखरण थाने लाई, जहां बदमाश से कड़ी पूछताछ करने पर बदमाश ने बताया कि तीन जिलों के थानों में विभिन्न प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि बदमाश पर 18 मुकदमे दर्ज हैं और तीन जिलों की पुलिस को बदमाश हिस्ट्री शीटर की सरगर्मी से तलाश थी, जो कल पोखरण पुलिस के हाथ लगा। आरोपी से पुलिस की कड़ी पूछताछ जारी है। योगी, इस इतला पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में हमने सीआई साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उसका चोर का पीछा करते करते इसको भालू कासम नगर पुलिस थाना देचू में छिपे होने की जानकारी मिली। वहाँ पे पुलिस ने दबिश दी। दबिश में उक्त आरोपी को बोलेरो के साथ में दस्तयाब किया गया और उस आरोपी का नाम विक्रम विश्नोई उर्फ भुट्टा पुत्र सुरजा राम जाति विश्नोई है, जिसपे जोधपुर संभाग के तीन जिलों के कई दर्जन नकबजनी चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज है और देचू थाने का स्ट्री शीटर है। उसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।